एनएचपीसी फ्रेश बाय करें क्या, ऑयल इंडिया फ्रेश बाय करें क्या? सर सब में सेम ही जवाब है मेरा कि जहाँ पीएसयूज में आपको पैसा बन रहा है कैपिटल निकाल लो, जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो फिर थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस साथ एंटर करना ताकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो आप निकल जाना, सिंपल। व्यू ऑन टाटा टेक, दर्श सर देखो ये एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि इट्स वर्थ बाइंग और एक्यूमुलेटिंग इंस्टेड, नॉट अगर बाइंग तो एक्यूमुलेटिंग। 1040 रुपये मैंने आज सुबह देखा था, पता नहीं फॉल में कहाँ गया, लेकिन धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्टेबल होते होते यहाँ पर पहुँच गया है, अपने साल के लो के आसपास ही है। तो अगर यहाँ से और डाउनसाइड खुलेगा तो 850 तक मैक्सिमम डाउनसाइड होगा, तो आप इसीलिए कह रहा हूँ एक्यूमुलेटिंग ताकि आप थोड़ा 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 ऐड करते चलो। कंपनी ख़राब नहीं है, वो बस प्राइसिंग की वजह से भागा हुआ है। 500 रुपये का इशू प्राइस 1400 रुपये में लिस्ट हुआ, टूट टूट के 1000 रुपये आ गया, 40% वाइपआउट हो चुका है वहाँ से। नीचे से भी चला है इसमें कोई डिनायल नहीं, लेकिन 40% वाइपआउट मिल चुका है, 50% वाइपआउट इज सब्सटेंशियली गुड। तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड वहाँ पर कर सकते हो, तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से आप अगर ऐड करना शुरू करोगे तो छोटे छोटे चंक्स में आप ऐड करते जाओ जहाँ तक मिल रहा है। लेट्स सी आगे कहाँ क्या जाता है फिर।